दुनिया जानती है कि मैं मर सकता हूं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के साथ नहीं जानता जा सकता, लेकिन तो उनके खिलाफ ही रहूंगा। दूसरा, मुझे देश का सबसे मजबूत सिपाही माना जाता है इस वक्त आरएसएस और बीजेपी को रोकने के लिए। चुनाव देखिए, मैं चुनाव लड़ने चल नहीं दिया गया, मुझे चुनाव लड़वाया जा रहा है ताकि मैं ईवीएम की लड़ाई लड़ सकूं। मैं ईवीएम की लड़ाई के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, मैं चुनाव लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मुझे मेरे साथियों ने ईवीएम की लड़ाई लड़ने के लिए तो चुनाव लड़ाया है कि ईवीएम के अंदर जाके आप ईवीएम को हराओ, आप हमारा सबसे अच्छा सिपाही हो, सबसे अच्छा औजार हो, कि ईवीएम को अंदर घुस के भी हरा सकते हो आप, ये देश का सबसे बेहतरीन आदमी मुझे माना गया है। पर मैं ईवीएम की सारी कमियों को उजागर कर पाऊं चुनाव के दौरान जो है ईवीएम की जो आवाज है वो दब ना जाए, इसलिए मुझे लड़ाया जा रहा है कि ईवीएम का सारा गोरख धंधा चुनाव के दौरान हाईलाइट करूं। मायावती जी का मुझे पता नहीं था कि उन्होंने कैंडिडेट अनाउंस हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही शायद वो अनाउंस हुआ है। मैं अभी भी उनकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी कैंडिडेट उन्होंने दिया है वो मुझसे मजबूती से ज्यादा मजबूती से बाबा साहब की लड़ाई लड़ सकता है तो वो मुझसे बात कर ले, मैं अभी अपना कैंडिडेचर विथड्रॉ कर लूंगा। अगर मायावती जी मुझसे बात करके मुझे कन्विंस कर दें कि वो जो उनके कैंडिडेट है मुझसे ज्यादा मजबूती से वो लड़ाई लड़े, अगर वरना मैं हमेशा अम्बेडकरवाद की लड़ाई पार्लियामेंट में जाऊं तब भी या ना जाऊं तब भी अम्बेडकरवाद की लड़ाई मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई रहती है। ईवीएम रुक गया तो आरएसएस और बीजेपी चुनाव हार जाएगी और अगला जो भी कोई आएगा वो संविधान के साथ इतनी बड़ी गद्दारी नहीं करेगा। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा जी, आज हम उनसे बात करेंगे। सर, अभी देश में जिस तरह से बड़े इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की खुलासा हुआ है, उससे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ईवीएम के मुद्दों को दबाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? कि ईवीएम इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, हम सब पॉलिटिकल पार्टीज से और देश के सभी जो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं गुजारिश कर रहे थे कि आप जन आंदोलन में हमारा साथ दो। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने साथ तो दिया लेकिन ज़बानी साथ दिया, सड़क पे उतर के हमारे साथ नहीं आए। इसलिए सारे ईवीएम के साथियों ने मुझे भी इस बात के लिए तैयार किया है कि मैं भी रामपुर से चुनाव लड़ूं ईवीएम को हराने के लिए, ईवीएम के मुद्दे को ज़िंदा रखने के लिए। लेकिन बड़ा मुद्दा देश को संविधान को बचाने के लिए आज भी ईवीएम है। ईवीएम रुक गया तो आरएसएस और बीजेपी चुनाव हार जाएगी और अगला जो भी कोई आएगा वो संविधान के साथ इतनी बड़ी गद्दारी नहीं करेगा। आप सर रामपुर में जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली से, क्या खास बात है रामपुर में? ये सभी साथियों ने, जो ईवीएम के जो साथी हैं और जो संविधानवादी साथी हैं, उन सभी लोगों ने ये मिलके बहुत केयरफुली ये सीट चुनी है। इसमें पहली चीज़ तो ये है कि बीजेपी जीती हुई है और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जुल्म और ज्यादती का एक आतंक पिछले चुनाव में मचाया गया है, लोगों को घर से निकलने नहीं दिया गया और पुलिस फोर्सेस द्वारा, सेंट्रल फोर्सेस द्वारा लोगों को घरों के बाहर ही रोका गया वोट ना देने से। इसीलिए 70% जहाँ पे वोट पड़ते थे वहाँ पे 30-32% वोट पड़े, 30 के करीब, और भारतीय जनता पार्टी ये जीत गई। तो ये इसीलिए डिस्कशन करके ये तय हुआ था कि एक तो बीजेपी ये सीट जीती हुई है तो कोई विपक्षियों का कोई नुकसान नहीं होगा इस सीट पर लड़ने से, दूसरा एक संविधान की लोहे की दीवार मुझे माना जाता है देश में सबसे मजबूत, तो ऐसी एक दीवार की आवश्यकता है रामपुर जैसे क्षेत्र में कि लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए और पुलिस और प्रशासन की गैरकानूनी कार्रवाइयों को, अपराधों को रोकने के लिए मुझे सबसे मजबूत व्यक्ति माना जाता है देश में। तो रामपुर एक ऐसे बेस्ट जगह है जहां पर मैं जाके ये एक एग्जाम्पल सेट कर सकता हूं कि कैसे संविधान का कानून का प्रयोग करके पुलिस प्रशासन के अपराध रोके जा सकते हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर और माइनॉरिटीज़ के ऊपर, वहाँ सबसे ज़्यादा अत्याचार भी हो रहे हैं। अभी एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पोस्टर लगाने पे एक दलित शेड्यूल कास्ट बच्चे को मारा गया था, जिसको जला भी दिया गया था, उसकी अंत्येष्टि भी उसके परिवार वालों को नहीं करने दिया था, वो लड़ाई भी मैं लड़ रहा हूँ। 8 तारीख को उसकी हियरिंग आ रही है लखनऊ हाईकोर्ट में। तो यही सब बातें सोच के मुझे कैंडिडेट बनाया गया है वहाँ का और मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हूँ। ईवीएम की लड़ाई है ये, इसलिए संविधान की लड़ाई है। इसलिए अगर आज भी कोई विपक्षी दल का नेता मुझसे फ़ोन करके मुझे कन्विंस कर देता है कि आपसे बेहतर कैंडिडेट संविधान की लोहे की दीवार बनने के लिए हमारे पास है तो मैं अभी भी रामपुर से विड्रॉ कर लूँगा। लेकिन रामपुर में जो अखिलेश यादव चुनाव लड़ने आ रहे हैं सर समाजवादी पार्टी से, मैं कह तो रहा हूँ अभी तक तो ऐसा नहीं पता मुझे, ना अभी तक कोई बसपा का कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है। आप लोगों ने बताया मुझे कि यहाँ शायद अभी कर दिया है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही,
तो मैं यही कहूँगा कि कोई कैंडिडेट वहाँ ना दें अगर मुझे वो एक अच्छा कैंडिडेट मानते हैं। मैं दुनिया जानती है कि मैं मर सकता हूँ लेकिन आरएसएस और बीजेपी के साथ नहीं जानता जा सकता, लेकिन सर तो उनके खिलाफ ही रहूँगा। दूसरा, मुझे देश का सबसे मजबूत सिपाही माना जाता है इस वक्त आरएसएस और बीजेपी को रोकने के लिए, तो वो भी बेनिफिट मेरे साथ है। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव जी अगर मुझसे कहते हैं कि वो अपना जो उनकी जो मसरूफियत है पूरे देश में कैंपेनिंग करने से, वो रामपुर में मुझसे बेहतर कैंडिडेट रहेंगे अपनी मजबूत जो बिजनेस है उनकी जो व्यस्तता है उसके बावजूद, तो मैं अब भी विड्रॉ कर लूँगा। मुझे बात कर ले वो, मैं कर लूँगा विड्रॉ। लेकिन आप तो ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, तो एकदम से चुनाव लड़ने का आइडिया कैसे आ गया आपके दिमाग में? मैं अभी भी चुनाव लड़ रहा हूँ तो ईवीएम की लड़ाई के लिए लड़ रहा हूँ, वरना मैं चुनाव लड़ने नहीं चाहता था। मुझे मेरे साथियों ने ईवीएम की लड़ाई लड़ने के लिए तो चुनाव लड़ाया है कि ईवीएम के अंदर जाके आप ईवीएम को हराओ, आप हमारा सबसे अच्छा सिपाही हो, सबसे अच्छा औजार हो, कि ईवीएम को अंदर घुस के भी हरा सकते हो आप। ये देश का सबसे बेहतरीन आदमी मुझे माना गया है, और मैं ईवीएम की सारी कमियों को उजागर कर पाऊँ चुनाव के दौरान। चुनाव के दौरान जो है ईवीएम की जो आवाज़ है वो दब ना जाए, इसलिए मुझे लड़ाया जा रहा है। आपके साथी भानु प्रताप जी हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं मेरठ से, क्या आप तो लड़ाई लड़ रहे थे ईवीएम की, वो जनता को क्या जवाब देंगे आप फ्यूचर में? आप तो चुनाव लड़ रहे हैं ईवीएम से वोट लेंगे। मैं जनता को बहुत साफ तौर पर जवाब दे सकता हूँ, भानु जी का जवाब आप भानु जी से पूछ सकते हैं। मैं ईवीएम को हटाने के लिए मैं किसी बड़े पेड़ की छाया में जाके चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। एक मैं और सबसे बड़ा मुश्किल काम कर रहा हूँ ईवीएम को ख़त्म करने के लिए, कि ईवीएम का सारा गोरख धंधा चुनाव के दौरान हाईलाइट करूँ, ईवीएम को अंदर घुस के ईवीएम को हराने की चेष्टा करूँ, जो मुझे उम्मीद है कि इस वक्त जो 20% वोट आरएसएस और बीजेपी चुराती है, एक्स्ट्रा लेती है, उसको हम हरा सकते हैं रामपुर की सीट में। 20% वोटों को हरा सकते हैं, एक्स्ट्रा 20% वोटों से भी ज़्यादा वोट ला सकते हैं अगर इंडिया गठबंधन मेरे खिलाफ मेरे सामने या रामपुर से कोई कैंडिडेट ना दे। लेकिन अगर उनके पास कोई मुझसे बेहतर कैंडिडेट है तो अब भी मैं उनसे बात जाते हैं तो अकेले कैसे हरा सकते हो ईवीएम को? आप 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए, तब आप सत्ता में आएंगे, तब आप कुछ बदलाव कर सकते हैं। मैंने हर आंदोलन में अकेले क्या करके दिखाया है, मेरे कई साथी मुझे पुलिस स्टेशन में छोड़ छोड़ के भी गए हैं, आप लोगों ने सब ने देखा है। कई मजबूत साथी मुझे अकेले, यहाँ पर निजी स्वार्थ तो नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं निजी स्वार्थ पे बाद में आऊँगा। मैं वो सिपाही हूँ जो जान दे सकता है, लड़ाई नहीं छोड़ सकता। पुलिस के आगे आप सब लोगों ने देखा है, पुलिस को टैकल करने के लिए मैं सबसे आगे रहता हूँ अपने बाकी साथियों से, पुलिस मेरे बाकी साथी मेरे से पीछे रहते हैं। और कोई अकेला आंदोलन अगर पुलिस से मुकाबले का होता है तो मुझे बुलाया जाता है, वरना वो आंदोलन नहीं होते हैं हमारे साथियों के, तो कम से कम ये बात आप लोग जानते हैं। निजी स्वार्थ में मैं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट ले सकता था, मैंने नहीं कोशिश की उसकी। मैंने क्या कोशिश की कि ईवीएम की लड़ाई सबसे बड़ी रहनी चाहिए, बाकी सब लोग हमारा सहयोग करें। ये भी ईवीएम का आंदोलन ही लड़ने जा रहा हूँ मैं, ये आग के दरिया में छलांग लगाने जा रहा हूँ मैं। अब ये देश की जनता पे है कि इस आग के दरिया से मुझे निकालती है। देश के सभी लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इसमें इस आग में मेरे साथ कूदें, सभी अम्बेडकरवादी, सभी संविधानवादी, और मुझे और ईवीएम को हटाएं और पेपर बैलेट को और मुझे इस लड़ाई में से निकाल के लाएं। सफलता मिलने की लग रहा है कल सर वहाँ तो? सफलता के मुझे पूरे चांस नज़र आ रहे हैं अगर इंडिया गठबंधन मेरे खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं देता। मायावती जी का मुझे पता नहीं था कि उन्होंने कैंडिडेट अनाउंस हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही शायद वो अनाउंस हुआ है। मैं अभी भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी कैंडिडेट उन्होंने दिया है वो मुझसे मजबूती से ज़्यादा मजबूती से बाबा साहब की लड़ाई लड़ सकता है तो वो मुझसे बात कर लें। मैं अब भी अपना कैंडिडेचर विथड्रॉ कर लूँगा अगर मायावती जी मुझसे बात करके मुझे कन्विंस कर दें कि वो जो उनके कैंडिडेट हैं मुझसे ज़्यादा मजबूती से वो लड़ाई लड़ेंगे। अगर वरना मैं हमेशा अम्बेडकरवाद की लड़ाई पार्लियामेंट में जाऊं तब भी या ना जाऊं तब भी अम्बेडकरवाद की लड़ाई मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई रहती है। अगर हटा संयुक्त मोर्चा है, क्या वो टूट गया है, क्या वो चुनाव लड़ने चल दिए सब आप लोग? चुनाव देखिए, मैं चुनाव लड़ने चल नहीं दिया गया, मुझे चुनाव लड़वाया जा रहा है ताकि मैं ईवीएम की लड़ाई लड़ सकूं। दोनों बातों में फ़र्क है, मैं ईवीएम की लड़ाई के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, मैं चुनाव लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, ये बुनियादी फर्क है। सर, आप अगर ईवीएम से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं तो फिर जो विपक्षी पार्टी है जो भी मतलब चुनाव लड़ने के लिए, वो कैसे मना करें? मैं तैयार नहीं हुआ हूँ। ऐसे में तो बहिष्कार कर देना चाहिए आपको भी ना सर? चुनाव बहिष्कार करते ही तो बीजेपी की 543 सीटें आ जाएंगी, समझ रहे हैं बात आप?
543 सीटें चाहते हैं आप क्या बीजेपी की? मैं लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईवीएम से चुनाव होंगे, अभी आप देखिए तो सही आगे क्या होगा। लेकिन सर अब तो आपको टिकट भी मिल चुका है, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसके बाद भी आप ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए मैंने किसी पार्टी से टिकट मांगा ही नहीं तो मुझे टिकट कहाँ से मिलेगा? आपकी जानकारी गलत है, मुझे कोई टिकट नहीं मिला है। अभी मैंने नॉमिनेशन भी नहीं भरा है, मैं नॉमिनेशन भरने 26 तारीख को जाऊंगा। और ये गुजारिश मैं सभी लोगों से कर रहा हूं, सभी विपक्षी लोगों से जो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हैं, कि मेरा साथ दें, इस चुनाव में अपने कैंडिडेट ना उतारें। ये पहले ही बीजेपी चुनाव जीती हुई है और ये सीट हम बीजेपी को हरा सकते हैं, हम इस सबसे बेहतर स्थिति में हैं बीजेपी को हराने में, और हम बीजेपी के हमेशा खिलाफ ही रहेंगे, इस बात की गारंटी पूरी दुनिया में सबको है। इस समय महमूद पराचा जी थे और इस ईवीएम पे पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।